तारीख थी 24 अगस्त 1608, जब पहली बार अंग्रेज भारत आए और अपने साथ लाए अंग्रेजी नियम। लगभग 200 साल तक इनके नियम सहने के बाद यह तय हो चुका था कि क्या बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले। फिर आती है तारीख 8 अगस्त 1942, जब पूरे देश में एक नारा गूंजता है, साइमन गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का वो दिन आता है जब हम आजाद हुए। और अंग्रेज हमारी भाषा का गुलाम। पूरे देश का सिस्टम ये हो चुका था, अगर कोई अंग्रेज हमारे से टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछे तो हम उनसे सीधा मुंह जवाब नहीं दे सकते थे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मेरा नाम है पुल्ला, रखता हूँ पुल्ला। माहौल ये हो चुका था, बोर्ड में भी इंग्लिश में टट्टी लिखा जाने लगा, अंग्रेजी को हिंदी में लिखा जाने लगा, और तो भाई साहब हिंदी को भी इंग्लिश में पढ़ा जाने लगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मीम रिव्यूज। तो हम दोनों साथ में सेंगे और साथ में आपको भी सेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा मीम ज्यादा अच्छा लगा और आपको कितनी हंसी आई। हाँ। आप हमें कमेंट में 10 में से रेटिंग बताना। तो कर ले वॉल्यूम ऊंची। व्हाट इज सन इन हिंदी? व्हाट इज सन इन पावर? दिस वो डोंट लुक इन ओ माय बाय बाय। मेरे को तो पता है सूरज को कहते हैं सन, सूरज ही कहते हैं हिंदी में तो। हाँ भाई, चल भाई अब दूसरी मीम निकाल। ये स्कूल की सही स्पेलिंग ये होती है ना कि ये। कुछ लोग एक ओ को दूसरे ओ के आगे लगा के स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। स्कूल की स्पेलिंग सेम ही और करे ओ के आगे वो लगा देंगे तो गलत है स्पेलिंग। ऊपर वाली कैसे सही होगी फिर भाई? क्या चीज थी ये? ये टीचर है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये टीचर है, ये SCUKL भाई, ये टीचर है भाई। सोचो स्टूडेंट्स कैसे होंगे। चल आगे चला, छोटे छोटे मीम्स है। पोटैटो टोमेटो, पोटैटो टोपोटो पोटैटो। वाह भाई भाई, मीम्स कहाँ कौन लेके आया भाई? ये तो बहुत छोटे छोटे मीम्स हैं, 1-2 सेकंड्स के मीम्स हैं। कोई बड़े मीम्स होते ना फिर मजे आते। कोई बार नहीं आगे हो रहे होंगे शायद। टोपोटो क्या? तो ना खाया टोपोटो? खाया भाई टोपोटो। तूने पोटो को खाया? आर आर एक्स सोना ई एक्स 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 ओ ओ ओ एन 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 ए ए ए लिखी स्पेलिंग सही है पर बोला गलत है। बोला भाई सही है, बोला जैसी स्पेलिंग है वैसे ही बोला है। उसके इसके सब सही है वैसे भाई। क्या चीजें आ रही है? चल चला भाई दूसरी मीम्स। हाँ ओ हाँ भाई, ये वाला मैंने जिंदगी भाई हंसी आई। पता हो तो बताओ। ये कौन सा है? ये देख। फ्रेंड्स, क्या आपने देखा बिग बॉस? भी रहते हैं। क्या आपने देखा बिग बॉस? ओ तुम्हारा हाय लगा दे व्हीलचेयर का, तुमको समझ में आ रहा है? मन में बहुत अदब से तुम्हारे लिए वो वाया करो, दोनों गाने लग रहे हैं। अरे वहां का पता क्यों भाग गए? उसमें लड़ाई नहीं क्यों होगी? बोलेंगे क्या ढूंढ कर दिया? ये तो 4-5 मीम्स आए थे, कोई बात नहीं सही है। तो फ्रेंड्स कोशिश करते हैं हम आपके लिए बहुत सारे मीम्स लेके आएंगे, लेकिन ये तो पता नहीं कम से मीम आ गए हमारे पास। इसको बहुत मुश्किल से मिले होंगे तभी इसने किया ऐसा। बहुत कम मीम्स थे भाई, वो भी थे मीम्स तो 1-2 सेकंड्स के थे। फ्रेंड्स, तो आपने देखा बिग बॉस? हाँ, हमें कमेंट्स बताना कि आप किन किन लोगों ने कितना ज्यादा बिग बॉस देखा है, पूरा देखा है। और ये बताओ कौन था डिजर्विंग ट्रॉफी के लिए? भाई अब तो हो ही गया, अब क्या फायदा, अब तो हफ्ता भी हो गया, अब क्या फायदा बोलने का कौन था डिजर्विंग।
तो फ्रेंड्स हम आपके लिए कोशिश करेंगे और ज़्यादा मीम्स लेके आएँ। तो अभी फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।